नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। डूंगरपुर जिले में नीम हकीमों की दुकानों का आतंक और कार्रवाई के बाद फिर खुली दुकानें। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा कस्बे में BCMO विपिन जी मीणा ने बिछीवाड़ा गांव में 3 दुकानों का निरीक्षण किया और इसमें से 15 तारीख को 2 दुकानें सुचारू रूप से फिर से चालू हो चुकी हैं। BCMO के कार्यक्षेत्र में अलग अलग गांवों में लगभग 20 दुकानें सुचारू रूप से चालू हैं। जब BCMO से बात हुई जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास दुकानें वापस खुलने की कोई जानकारी नहीं है। हेलो। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, प्राइम न्यूज 24 नेटवर्क से जोनल ब्यूरो चीफ मनीष सेवक बात कर रहा हूँ। मनीष सेवक, हाँ जी बोलिए। सर, मेरा निवेदन आपसे इतना ही था कि आपने जो 9 नवंबर को जो कार्रवाई आपने करी बिछीवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने सील की गई नीम हकीमों की दुकानों का निरीक्षण किया, ये आपकी तरफ से न्यूज आई थी। इसमें आपने 8 तारीख की थी। हाँ, 8 तारीख की न्यूज थी। आपने मुकेश क्लिनिक, नेगी क्लिनिक और महालक्ष्मी क्लिनिक को आपने सील किया था आपने। और 8 तारीख का, कल 15 तारीख जो थी, 15 तारीख का एविडेंस मेरे पास में है कि ये तीनों दुकानें वापस खुल गई है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तीनों दुकानें वापस खुल चुकी हैं। बिल्कुल सर। नहीं, तीनों तो नहीं खुली होगी। तीनों खुल गई हैं। मेरे पास में कोई सूचना नहीं है अभी तक इसकी। मैं कल आपके ऑफिस में आया था, कल आप टूर पर गए हुए थे, कल आपके ऑफिस में आके मैं मिला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप बताइए इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो अभी तक कोई न्यूज आई नहीं इसके बारे में, क्योंकि FIR तो दर्ज हुई एक के खिलाफ, महालक्ष्मी के खिलाफ। वो तो अभी कस्टडी में है और बाकी दो है वो फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे हैं, वो दुकान पे बैठे हुए हैं सर। अच्छा, दुकान पर है, तो ये मेरे पास अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है इसकी। सर, मैं तो कल ऑफिस में आया था। कल ही उन्होंने? हाँ, कल क्या, वो तो 2-3 दिन से दुकान पे बैठे हैं। नेगी से मेरी पर्सनली बातचीत हुई है और इसका बकायदा एविडेंस है मेरे पास में। अच्छा, तो ये तो आगे से अगर सीएमओ साहब ने अगर कुछ बात हुई होगी, मेरे तक तो कोई सूचना आई नहीं अभी तक। तो इसमें क्या सीएमओ साहब से बात करूँ इसके लिए? हाँ, इस मामले, हाँ जी, आप सीएमओ साहब से बात करिए एक बार कि क्या अग्रिम कार्रवाई हुई है, क्या हुआ, किस हिसाब से खोला, मकान मालिक खोला, किस हिसाब से सील खोली। सीएमएचओ साहब के आदेश से आपने सील किया था कि SDM साहब के आदेश से सील किया था? नहीं, इसमें तो हमने सभी सीएमएचओ साहब के निर्देशनों से, ड्रग इंस्पेक्टर, मैं और साथ में हमारे साथ जो पुलिस दल थी उनकी उपस्थिति में इसको सील बंद किया था। तो सील खुल गई। ये तो क्या है कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनकी दवाई वगैरह हमने सारी सीज कर ली थी, तो इसको तो सील बंद कर दिया था हमने। इसका एविडेंस भेजूं मैं क्या आपको? क्या चीज एविडेंस, मतलब इसका जो वीडियो कल जो ये है, जो वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह जो कर रहे थे, इनकी जो दुकानें खुली हुई है, इसका एविडेंस है मेरे पास में। अच्छा अच्छा, तो हमारी तरफ से इनको तो कुछ परमिशन दी नहीं है हमने। आपने परमिशन नहीं दी है। और ये जो नेगी क्लिनिक है उसके सामने एक क्लिनिक और है, उसने BA MS किया हुआ है और CCH की डिग्री है, क्या वो भी वो सारा काम आपके इथिकल दवाइयाँ वो सारी जो होती हैं एलोपैथिक में, वो सारी यूज करने लायक है क्या वो? नहीं नहीं, वो यूज करने लायक नहीं। एक्चुअली इन्होंने क्या है, जो क्लिनिकल एस्टिमेशन एक्ट होता है अपना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने BMS का इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है सीएमएच ऑफिस के अंदर, है ना। ओके। तो इन्होंने क्या है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सभी सबमिट करा लिए इन्होंने। ओके। और साथ में ही जो एक प्रकाश कलाल करके है जो पास में ही है, ये दोनों ने आके जो मैंने फोन दिया था इनको, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट का एक एक्ट होता है, उसके अंडर जितने भी अपने जो क्लिनिक के जो नाम है उनके अनुसार आप जो भी BMS आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी जो भी आप कर रहे हैं उसकी डिग्री लगा के आप करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। बट मेरा ये कहना है सर, वो क्या है कि वो आपके जो ये कौन सी आप जो आपका जो MBBS जो करता है वो कौन सी दवाई यूज करता है? वो तो एलोपैथी दवाई यूज करता है। एलोपैथिक, तो वो ये सर BHMS वाला भी एलोपैथिक दवाई यूज कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। वो लोग तो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जब तक NMC बिल लागू नहीं हो जाता, NMC बिल जो आपने उसके बारे में सुना होगा, उसके बाद वो कर नहीं सकता। अगर ऐसी सूचना है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर उसके 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 भी अगर कुछ मीडिया द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? नहीं, अगर आपने किया तो इस पर कार्रवाई करेंगे हम। अगर हमारे पास कोई सूचना आई नहीं, अगर जो सूचना आपने जो कार्रवाई करी वो हमसे सीमेंट साहब के निर्देशन हमने कार्रवाई करी है। और मेरा ये कहना है उनके पास में, और सर आपने जैसे बिछोड़ा में कार्रवाई करी, जैसे आपके आपके ब्लॉक के अंदर कनबा भी आपके ब्लॉक के अंदर आता है, ये माड़ा गामड़ी भी आपके आपके अंडर में आता है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई है? देखिए, ऐसा है कि सीएमओ साहब जैसे निर्देश करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। ओके। तो उसके निर्देशन जो कहा आपने,
ओके ठीक है सर, मैं सीएमएचएस आपसे बातचीत करने के बाद में आपसे फिर बात करूंगा। हाँ ठीक है चलिए, ओके ओके। बीसीएमओ द्वारा मीडिया को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। ये झोलाछाप नीम हकीम नियमों का उल्लंघन करके व्यक्तिगत स्वार्थ को जनता के स्वास्थ्य से ऊपर रख रहे हैं। इन्हें कानून तथा प्रशासन का कोई डर नहीं है, लगातार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके पास न तो किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस है और न ही कोई सत्यापित डिग्री है और इनका मनमाना दुराचार जारी है। डूंगरपुर के सीएमएचओ साहब से भी हमारे संवाददाता ने फोन पर बातचीत की है। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्राइम न्यूज 24 नेटवर्क से बात कर रहा था। हाँ सर, मैं जोनल ब्यूरो चीफ हूँ, मनीष सेवक नाम है मेरा सर। हाँ जी सर, आपकी एक 8 तारीख को एक खबर चली थी, बिछीवाड़ा बीसीएमओ साहब ने की नीम हकीमों की दुकानों का निरीक्षण किया, ये आपकी एक न्यूज थी। आज कल 15 तारीख को उनकी वापस दुकानें खुल चुकी हैं, इस पे बीसीएमओ साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार हमने कार्रवाई कर ली है और आगे सीएमएचओ साहब जैसा निर्देश करेंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, हमने तो निर्देश दे चुके हैं, हम तो नियमानुसार उनको कार्रवाई करनी था। वो सर नियमानुसार कार्रवाई जो करनी है, आपने आदेश दे दिए, बराबर बात है आपका, आपने बिल्कुल कार्रवाई के लिए बिल्कुल निर्देश दिए हैं, उसकी हमारे को पूर्णतः जानकारी मिल चुकी है सर। मगर जानकारी हमारी हमारी जो जानकारी में जो नया तथ्य जो आया है उसके अनुसार हम हमारा कहना यह है कि सर जो 9 तारीख को कार्रवाई हुई है और 15 तारीख को वापस दो दुकानें खुल गई, तो फिर उसका क्या रिजल्ट अपना निकाले हैं कि जिन पे कार्रवाई हुई है उनके क्या दोबारा पाबंद करता हूँ, अगर खोल दिए तो कार्रवाई करेंगे। और सर बिछीवाड़ा बीसीएमओ साहब के अंदर में बहुत सारी जगह जो आती हैं उसके अंदर, जैसे आप क्या ये ले लो आप कनबा में, कनबा है, देवल है, माड़ा गामड़ी है, ये बहुत सारी जगह पे ये सारे लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके भी सारे सभी तरीके के निर्देश आपने दे रखे हैं उनको। इनको मैं दोबारा पाबंद करता हूँ, आपके क्षेत्र में जो भी नियम पट्टी में जो भी सभी चिकित्सक है आप कार्रवाई करें, हमको सूचित करें, दोबारा बोलता हूँ। और कार्रवाई करने के बाद में प्राइम न्यूज 24 नेटवर्क को भी इस चीज की सूचना दी जाए जिससे हम आपकी सकारात्मक एक न्यूज चलेगी तो भी ठीक रहेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पाबंद करता हूँ मैं उनको। और सर इसकी जानकारी हमें भी मिले, हम ऐसा चाहते हैं आपसे। चलो ठीक है, मैं बीसीएमओ को बोलता हूँ, ठीक है, आपको भी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, और हमको साथ में लेके लेके करेंगे तो हम भी सतर्क रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, करता हूँ मैं। तो अगर आप समय दें तो आपके ऑफिस में आके मिलूं? नहीं, मैं तो अभी हूँ, सागवाड़ा निकला हूँ मैं तो। अच्छा, मीटिंग में। तो सागवाड़ा से सर आते, अगर आप आओगे तो आपके रास्ते में एक आसेला है, आसेला गांव जो है, आसेला में भी अब एक कार्यरत है भीम हकीम। तो ये मैं बीसीएमओ को बोला, एक्चुअली सेने से तो सब जो कार्रवाई करने के साथ कार्रवाई उनको बीसीएमओ को ही करनी है जो वालों को बोलता हूँ। हाँ, डूंगरपुर का कार्यभार किसके पास में? ये सुनील मैडा है, उनके पास से बात। सुनील जी मैडा। हाँ अच्छा, तो इनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो मिल जाएगा, वो जो पहले जोत्री में है। तो ठीक है सर, आप अगर व्हाट्सएप पे अगर इनका नंबर दे सके तो। हाँ ठीक है, दे दूंगा बिल्कुल। ठीक सर, धन्यवाद। अब देखना यह है कि जनता के सेवक जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग हैं। प्राइम न्यूज 24 द्वारा इन झोलाछाप डॉक्टर जो कि जनता के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ लगातार खेल रहे हैं, इस पर हमारी रिपोर्ट समय समय पर दिखाई जाएगी। इसी के साथ प्राइम न्यूज 24 से हमारे संवाददाता मनीष सेवक की खास रिपोर्ट।